हेलो यार, अभी स्मैकडाउन के एपिसोड पे जो हमने देखा वो तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो गया। पिछली जब स्मैकडाउन देखी थी तब तो ऑब्वियसली बात लग रही थी कि अच्छा ओके जॉन सीना और एजे सेल्स को पेयर किया जा रहा है, दो फॉर्मर राइवल्स। हम आपके हैं कौन से, हम साथ साथ हो गए। तो भाई अब तो हमें फास्ट लेन में जॉन सीना एंड एजे सेल्स वर्सेस ब्लड लाइन के दो मेंबर्स जिमी उसो वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच देखने को मिलेगा। लेकिन फिर WWE ने हमें बोला कि ऐसे कैसे, जो तुमने सोचा वो हम कर कैसे दें, एग्जैक्ट इसका उल्टा कर देंगे हम। तो वही हो गया फिर स्मैकडाउन के एपिसोड पे। एजे सेल्स को ठिकाने लगा दिए जिमी और सोलो ने, उनको तो ठिकाने लगाया एम्बुलेंस में ले भी जाना पड़ा। ऊपर से जॉन सीना की हालत खराब कर दी यार, जबकि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होने वाला था आज तो, जिसमें ये टैग टीम मैच ऑफिशियल होना था। अब एजे सेल्स तो इंजर्ड हो गए, वो भी बुरी तरह से, मतलब WWE तो ऐसे ही दिखाया हमें। तो एक चीज ये लगने लगी एक टाइम पे कि शायद ये मैच हो ही ना, पर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया अब तो फिर एक नॉर्मल फैन के मन में क्या क्वेश्चन आएगा कि अब जॉन सीना का ओपोनेंट कौन बनेगा टू फेस जिमी एंड सोलो एट फास्टलेन 2023। तो बस उसी पे बात करने वाले हम इस वीडियो में। और भाई कोई नॉर्मल ऐसे छोटे मोटे नाम नहीं है, काफी बड़े बड़े रूमर सामने आ रहे हैं जो कि जॉन सीना के मिस्ट्री पार्टनर बन सकते हैं। और आप सुनोगे तो आप तो खुशी हो जाओगे। पहला नाम बताऊं जिससे कि ज्यादा आप खुश नहीं होगे, क्योंकि ये नाम है AJ Styles का। हाँ, AJ Styles का ही। ऑब्वियसली बात है, AJ Styles को पीटा है, चलो बुरी तरह से पीटा है। अब दुनिया में पहले रेसलर तो है नहीं जिन्हें बुरी तरह से पीटा गया और एम्बुलेंस में ले जाया गया, और फास्ट लेन होने में अभी भी टाइम ऐसे तो है नहीं कि कल होने वाली है। तो हो सकता है कि मैच के टाइम पे AJ Styles ही अपना रिटर्न कर ले और नॉर्मली मैच कर ले। बट इतनी भी ऑब्वियस चीज मुझे लगता WWE करेगी, अगर करनी होती तो फिर ये वाला एंगल क्रिएट ही क्यों करते वो। Obviously उन्होंने ये एंगल क्रिएट किया जस्ट बिकॉज वो किसी ऐसे सुपरस्टार को पुट ऑन कर सके यहाँ पे जो कि फैंस ने एक्सपेक्ट ना किया हो। तो वो कौन हो सकता है, शायद वो नेक्स्ट नाम हो सकता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इज नन अदर देन LA Knight। या जब अभी पेबैक में मैच हुआ था LA Knight और Miz का, तो जॉन सीना उनके मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बने थे। ऑल्दो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई इनके बीच, बट एट दी एंड जॉन सीना ने हैंड भी रेज किया था LA Knight का, उन्हें रिस्पेक्ट शो की थी। तो हो सकता है कि जब अब जॉन सीना के पास उनका पार्टनर नहीं है तो उनकी हेल्प करने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट शो करने के लिए LA Knight उनकी हेल्प करने आ जाए और वो बन जाए उस मैच के लिए उनके मिस्ट्री पार्टनर, जो कि मतलब अच्छी बात है, बुरी बात भी नहीं है। LA Knight आ जाते तब भी मैं खुशी होऊंगा, बट जो रूमर नाम है उसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग नाम है, तो अगर वो आ सकते तो फिर LA Knight ना है तो ही अच्छा है। और जो नेक्स्ट रूमर नाम मैं आपको बताने वाला हूं वो तो बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि ये नाम है द ब्रह्मो बोल द पीपल चैंप द ग्रेट वन द रॉक का। भाई बेशक दुनिया फट जाए, आसमान पिघल जाए, अर्थ मार्स बन जाए, मार्स अर्थ बन जाए, रॉक फास्ट लेन में तो रेसल नहीं करने वाले तो नहीं करने वाले। 99.99% पॉसिबिलिटी है इस चीज की। पता नहीं कौन सा उल्लू बंदा जिसने रूमर मैचेस में इनका नाम डाल दिया। हाँ मैं समझता हूँ, अभी उन्होंने अपना रिटर्न किया है, जॉन सीना और रॉक का सेगमेंट भी हमें देखने को मिला छोटा सा, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई ऐसे टुच्चो पुच्चो से मैचेस के लिए रॉक अपनी वापसी करते रहे। बट हाँ, एक ऐसा नाम है जिसकी वापसी काफी टाइम से पेंडिंग है और WWE उन्हें ला नहीं रही है यार टीवी पे, एंड ये नाम है नन अदर देन कार्लिटो का। अब यार ये रूमर सामने आ रहा है कि कार्लिटो रिप्लेस कर सकते हैं जिस स्टाइल्स को इस मैच में। आपको याद ही होगा कि बैकलैश 2023 जब हुई थी तो वो उसमें अपीयर हुए थे, और रिपोर्ट्स ने ऐसा बताया था जून के टाइम पे कि भाई उन्होंने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए WWE के साथ, और सुनने में आया था कि वो जल्दी अपना रिटर्न कर लेंगे, शायद स्मैकडाउन में आ जाएं, यहां पे आ जाएं, वहां पे आ जाएं। लेकिन अब उस बात को 3 महीने हो गए और अभी तक भी उन्होंने अपना रिटर्न नहीं किया है, जिससे कि सिंपल बात पता लगती है कि कार्लिटो के लिए WWE के पास कोई प्लान ही नहीं है, बस साइन करके रख छोड़ा कि जब परफेक्ट मोमेंट आएगा तब रिटर्न करवा देंगे। यार ऐसे कैसे प्लान नहीं है यार, LWO के साथ ही पेयर करवा देते यार, कुछ तो अच्छा होता। और देखो सीना और कार्लिटो के बीच हिस्ट्री भी रही है, ठीक है, मुझे पता है आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगी ये वाली चीज, पर रही है, मानो मेरी बात, मैंने देखा हुआ। और अगर ये दोनों पेयर हो जाते हैं जस्ट एक मैच के लिए तो काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी, पर्सनली मुझे तो नॉस्टैल्जिया हिट होगा और अच्छी चीज भी लग रही है वैसे तो। पर इसका बस ये नेगेटिव पॉइंट है कि कार्लिटो को कोई लॉन्ग टर्म में सेंस नहीं बनता है यहाँ पे आने का, क्योंकि ना मुझे लगता है कि उनका रोमन के साथ कभी मैच होगा, ना ब्लड लाइन के साथ इन्वॉल्वमेंट होगी, तो फिर फायदा क्या है सिर्फ एक मैच के लिए आने का। कोई ऐसा बंदा आए ना यार जो कि ब्लड लाइन के साथ इन्वॉल्व भी रहा हो, या फिर जिसकी फ्यूचर में इन्वॉल्वमेंट होने वाली हो ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में, रोमन इसके अगेंस्ट वो कम्पीट करने वाला हो या कर चुका हो, कुछ ऐसा तो हो जिससे थोड़ा कनेक्शन फील हो कि भाई जॉन सीना की हेल्प करने क्यों आया ये बंदा, उसे जॉन सीना से क्या मतलब है और स्पेशली ब्लड लाइन से क्या मतलब है। तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए जो नेक्स्ट रूमर नाम है वो है जे उसो का। अब यार रिसेंटली जे उसो को ट्रेड किया है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से मंडे नाइट ड्रॉप पे, तब से वो बिल्कुल कट ऑफ ही हो गए ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन से। अभी वो अपनी सारी चीजें संभाल रहे हैं वहां पे, फिगर आउट कर रहे हैं चीजें, कौन उनके सपोर्ट में है, कौन उनके अगेंस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो मैंने आपको पीछे बातें बताई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के साथ इन्वॉल्वमेंट की, जॉन सीना के साथ इन्वॉल्वमेंट की, वो सारी मेक सेंस करती है, मैं मानता हूँ जे उसो की मेक सेंस करती है वो सारी चीजें। बस प्रॉब्लम ये कि यार अभी अभी उन्हें ट्रेड किया ठीक है रॉ पे, अब उन्हें वापस से लाना तो सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे के लिए कोई प्लान्स होंगे जे उसो के साथ। उन्हें रॉ पे शिफ्ट इसलिए किया है ताकि वो दूर हो जाए ब्लड लाइन से कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि रेसलमेनिया 40 में इन्हें जे उसो वर्सेस जिमी उसो का मैच करवाना है, तो इतने टाइम तक ये करेंगे क्या साथ में रह के। इसलिए उन्होंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया ताकि इनकी इंडिविजुअल भी पर्सनैलिटीज डेवलप हो और एज अ
सिंगल सुपरस्टार भी ये थोड़े क्रेडिबल लगे। बट अब जो लास्ट दो नाम बचे यार उनका बहुत ज्यादा सेंस बनता है। फास्ट लेन में जॉन सीना का मिस्ट्री पार्टनर बनने का, और जो सेकंड नंबर पे नाम है वो है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। देखो सिंपल सी बात है, ये बात हमने सुनी थी जब जे उसो को ट्रेड किया था मंडे नाइट रॉ पे। एडम पियर्स ने उन्हें बताया था कि अब जब तुम यहाँ पे आए हो तो यहाँ से एक बंदा स्मैकडाउन पे भी भेजा जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली सबको लग रहा है कि वो बंदे कोडी रोड्स होने वाले। लेकिन सिंपली उन्हें भेज देने से अच्छा है किसी शॉकिंग फैक्टर में भेजो ना, फैंस को भी मजा आ जाए। तो सोचो अगर वो जॉन सीना के मिस्ट्री पार्टनर बनते यहाँ पे तो कितने एक्साइट हो जाएंगे लोग, और सेंस भी बनेगा क्योंकि कोडी रोड्स और ब्लड लाइन की भी हिस्ट्री रही है, जॉन सीना के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। फ्यूचर में भी शायद कोडी रोड्स और ब्लड लाइन का कुछ ना कुछ चलने वाला आगे, मे बी रोमन वर्सेस कोडी का मैच स्टिल पॉसिबल है। तो मुझे तो पर्सनली इनका ना परफेक्टली मेक सेंस करता हुआ दिख रहा है, तो अगर ये आते तो मैं मोर देन हैप्पी होऊंगा। लेकिन अभी भी एक ऐसा बंदा बचा हुआ है यार जिनके आने का सेंस वेंस हो ना हो, वो आगे ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो ना हो, मैं बस उन्हें वापस से देखना चाहता हूँ। एंड यस आई एम टॉकिंग अबाउट द वाइपर द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन। एंड इस बार मैं उन्हें और भी ज्यादा इसलिए देखना चाहता हूँ क्योंकि इस बार वो नॉर्मल अपने रिटर्न नहीं करेंगे कि भाई इंडिविजुअली बस आ गए और किसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे चीजें और भी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग हो जाती है क्योंकि अब वो आएंगे तो जॉन सीना के, सोचो जब मिस्ट्री ऑपोनेंट का वेट कर रहे होंगे जॉन सीना और अचानक से रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट करेगा, यार क्या मजा आ जाएगा। आप सोच रहे हो बात की गहराई को, मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है यार ये, मुझे आपका नहीं पता, मैं तो बोलता हूँ करवा दो। और यार वैसे भी रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 तक अच्छे अच्छे ओपोनेंट्स तो चाहिए ना आगे के लिए। चलो ठीक है, क्राउन ज्यूल में हमने माना कि एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा, या क्या पता एजे स्टाइल्स को थोड़ा टाइम ऑफ दे रहे WWE और रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस का मैच करवा दे, जो कि ज्यादा बड़ा लगेगा यार क्राउन ज्यूल के लिए। आपको तो पता ही क्राउन ज्यूल में लेजेंड चाहिए होते हैं ना, तो अच्छी चीज हो जाएगी। चलो अगर मैच नहीं भी होता है तो इन फ्यूचर तो होगा ही ना कभी क्राउन ज्यूल में आप रोमन वर्सेस एजे या फिर रोमन वर्सेस एजे वर्सेस सीना करवा लो यार, या रोमन वर्सेस सीना करवा लो, कुछ भी करा लो यार, बस रैंडी ऑर्टन को लेके आ जाओ, बस इतनी सी दुआ है हमारी। एंड यार एट लास्ट मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जितने भी मैंने आपको नाम बताए इनमें से सबसे ज्यादा चांस मुझे जिनका लगता है वो है एजे स्टाइल्स, एलए नाइट, कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन। सबसे ज्यादा सेंस किसका बनता है यहाँ पे आने का, कोडी रोड्स का। और पर्सनली मैं किसको सबसे ज्यादा देखना चाहता हूँ यहाँ पे आते हुए, वो है द वाइपर रैंडी ऑर्टन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया, अब जितना अच्छे से मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया। अब रात के 3:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जितना सेंसेस में था मैंने उस हिसाब से बता दिया आपको चीजें। बाकी यार आप भी कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आप किसको जॉन सीना का मिस्ट्री ओपोनेंट बनते हो, देखना चाहते हो ना सिर्फ एक मैच के लिए बल्कि वो रोमन रेंस को फेस भी करे अगले प्रीमियम लाइव इवेंट में फॉर हिज अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप, या आप चाहते ही ना हो कि कोई रिप्लेसमेंट हो, एजे स्टाइल्स ही बस वापस आ जाए। तो जो भी है, जैसा भी आपके मन में, जैसे भी आप शेप लेते हो देखना चाहते हो आगे कार्ड को, फास्ट लेन के लिए, क्राउन ज्यूल के लिए और फ्यूचर इवेंट्स के लिए भी बता देना ठीक है कमेंट सेक्शन में। बाकी यार एक इंपॉर्टेंट बात पता है आपको, हॉट टेक्स वाली वीडियो आई थी कल, आपने चेक किया आपका कमेंट तो नहीं पिक हुआ कहीं? तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, किसका वेट कर रहे हो, क्लिक करो और देख लो जल्दी से। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एज ऑलवेज किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।